हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स यारी और हमारे वीकेंड स्पेशल में आपका स्वागत है। फोर्थ एपिसोड ये है और बात करेंगे आज तेंबा बाउमा की और क्यों इस वक्त पर तेंबा बाउमा से सीखने की जरूरत है इंडियन क्रिकेट को और इंडियन क्रिकेट से जुड़े जिन्हें हम कहते हैं कि जो मेन जो इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं उन सबको, चाहे वो बीसीसीआई हो, चाहे वो इंडियन क्रिकेटर्स हों, चाहे वो विराट कोहली हों, चाहे वेंकटेश अय्यर जैसे एक यंगस्टर हों टीम में जगह बनाना चाहते हैं, सबके सबको तेंबा बाउमा से क्या सीखना है चाहे ऑन द फील्ड हो ऑफ द फील्ड हो, इस वीडियो में वो पूरी बात करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें, ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आपको आज से ठीक हम लेकर चलते हैं 2 साल पहले 2020 में और तेंबा बाउमा का एक ट्वीट आपको दिखाते हैं। वो ट्वीट क्या कुछ कहता था इस पर आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर लिखा हुआ है, साइलेंस इजंट एम्प्टी इट्स फुल ऑफ आंसर्स। रजत इसको अगर आप थोड़ा सा ऊपर करें तारीख नीचे आपको नजर आ जाएगी जिस दिन पर यह ट्वीट किया गया था उनके, और आप देख भी सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है January 11th 2020। तो 2020 जनवरी 11 ये वो वक्त है जब तेंबा बाउमा को टीम से ड्रॉप कर दिया गया था क्योंकि उनकी परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही थी। उनको भेज दिया गया था कि भाई डोमेस्टिक क्रिकेट में आप जाएं, रन्स बनाएं, फैफ ड्यूप्लेसी ने साफ तौर पर कहा था, बावजूद इसके कि साउथ अफ्रीका में कोटा सिस्टम है। साउथ अफ्रीकन टीम ने स्टेप लिया कि भाई हम एक कोटा के प्लेयर को कम करेंगे जो कि थोड़ा सा वहां पर आप उतना आसानी से नहीं देखते होते हुए, लेकिन वो कदम लिया गया था, उनको ड्रॉप किया गया था टीम से, डोमेस्टिक में खेलने भेजा गया था। और यहां से तेंबा बाउमा का राइज आप देखिए ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड और आज जितनी इज्जत उनकी होती है वो क्यों है ये सब आपको बताएंगे। आज का पहले उनका ट्वीट दिखा देते हैं कि 2 सालों में चीजें कैसे बदली हैं। 2 साल बाद का ये ट्वीट अभी आप देख सकते हैं, बाउमा ने सीरीज जीतने पर किया है, ब्रदरली लव, वी प्ले फॉर ईच अदर एंड दैट्स व्हाट मैटर्स। आज की तारीख में यानी कि January 22, 2022 जिस दिन उन्होंने ट्वीट किया, तेंबा बाउमा अब साउथ अफ्रीका के कप्तान है, ओडीआई में भी, T20 इंटरनेशनल्स में भी और टेस्ट में वाइस कैप्टन है, जहां पर हर जगह उन्होंने अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन से इस वक्त पर कहें तो चारों तरफ जलवा बिखेर रखा है। अब आपको दिखाते हैं कुछ एक नंबर्स। सबसे पहली स्लाइड जो हमारे पास है वो आपको एक बार दिखाएं हम, ये वो स्लाइड है जब तेंबा बाउमा ड्रॉप हो गए थे टीम से। 30 मार्च 2018 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो फेमस टेस्ट सीरीज हुई थी उसमें आखिरी टेस्ट मैच में बाउमा ने 95 नॉट आउट और 35 नॉट आउट करे। उसके बाद आप उनकी परफॉर्मेंसेस एक बारी देखिए, टेस्ट क्रिकेट की बात है, 17-2 श्रीलंका के अगेंस्ट, 11-63 फिर श्रीलंका के अगेंस्ट अवे, आगे आप देख सकते हैं कि होम सीरीज है या अवे है, 53-13 नॉट आउट, 75 बल्लेबाजी फिर नहीं आई है, 8-23 47-3 0-6 18-0 8-38 32-0। तो ये सारी परफॉर्मेंसेस थी उनकी, उनको खिलाया जा रहा था लेकिन रिजल्ट्स फेवर में नहीं आ रहे थे। और अगर आप देखेंगे लास्ट में लिखा हुआ था कि ड्रॉप्ड फॉर 3 गेम्स, ड्रॉप करके जैसे मैंने आपको बताया कि जो उन्होंने ट्वीट किया था उस वक्त पर 2020 में कि मैं चुप हूं लेकिन इतनी खामोशी भी नहीं है। एक बार वो ट्वीट अगर मैं आपको दिखा दूं तो थोड़ा सा फिर उसके आगे की बात आपको बताऊंगा, जो फर्स्ट ट्वीट था हमारा और इस पर आप देख सकते हैं साइलेंस इजंट एम्प्टी इट्स फुल ऑफ आंसर्स। तो इसका जवाब कैसे दिया हम अपनी दूसरी स्लाइड दिखाते हैं आपको कि दूसरे उसके बाद जब डोमेस्टिक खेलने गए उन्होंने वहां पर क्या किया। 2 मैचेस खेले थे बस उन्होंने, जो फर्स्ट क्लास उनकी होती है 4 डे, ये 2019-20 का सीजन है, 2 मैचेस, 3 पारियां, 206 रन बनाए, 180 रनों की पारी उनकी आई थी जो January 13th से 16th के बीच में डॉल्फिन्स के अगेंस्ट मुकाबला हुआ था और ये साउथ अफ्रीका के डोमेस्टिक क्रिकेट में उस वक्त पर 4th इनिंग्स में 2nd हाईएस्ट स्कोर था। इसके बाद तेंबा बाउमा की टीम में वापसी होती है और अब वापसी के बाद तेंबा बाउमा ने क्या कुछ किया है ये आपको दिखाते हैं अगली स्लाइड में कि उनके नंबर्स क्या रहे थे। ये इंग्लैंड वाली सीरीज का आखिरी मुकाबला था, सीरीज गवा चुकी थी साउथ अफ्रीका, बट बाउमा ने जो रन करे थे उनसे जो डिमांड थी वो उन्होंने पूरी करी और वो वापस आए, 6-27। उसके बाद जो अगली सीरीज थी घर पर श्रीलंका के अगेंस्ट 71 फिर बल्लेबाजी नहीं है, 19 फिर बल्लेबाजी नहीं है घर पर, फिर आप देखेंगे अवे जो उनका रहा था 17-40 44 नॉट आउट, 61 पाकिस्तान का अवे टूर है, फिर इंडिया के अगेंस्ट ये नंबर्स आप देख सकते हैं 52-35 नॉट आउट, 51-23 नॉट आउट, 28-32 नॉट आउट। तो ये थे अगेंस्ट वर्ल्ड्स बेस्ट बोलिंग अटैक और इन्होंने बहुत अहम रोल निभाया साउथ अफ्रीका को हिस्टोरिक सीरीज जिताने में एज अ वाइस कैप्टन। और आज की तारीख में इस सबसे किस किस को लेसन है जो आज हम बात करते हैं कि टेस्ट टीम से ड्रॉप नहीं हो सकते, इनको इतनी लंबी रस्सी मिली, बाउमा भी ड्रॉप हुए थे बट उनको देखिए वापसी किस तरीके से करी, डोमेस्टिक में गए वहां पर रन करे और अब कुछ ऐसी परफॉर्मेंस, और अब वाइस कैप्टन भी है और अब इनके लिए कोई इस वक्त पर कोटा को लेकर सवाल नहीं उठाता। साउथ अफ्रीका का कोटा सिस्टम ऐसा है कि उनको ऑन एन एवरेज अपने जो टीम्स में प्लेयर्स फील्ड करते हैं वहां पर आपको रिप्रेजेंट करने पड़ते हैं कि 6 आपके जो हैं कलर्ड प्लेयर्स वहां पर खेल रहे हों जिनमें से 2 ब्लैक अफ्रीकन्स होते हैं, तो बाउमा उस श्रेणी में आते हैं। तो आज उनको कोटा की लेकर बात नहीं होती बट मेरिट पर बाउमा खेल रहे होते हैं। इसके अलावा भी तमाम चीजें हैं जो बाउमा को और ज्यादा मजबूत बनाते हैं। जब इनको ओडीआई कप्तानी दी गई और T20 की कप्तानी दी गई तब बहुत ज्यादा इनके पास अनुभव नहीं था, सिर्फ अनुभव था
6 ODIs और 8 T20 इंटरनेशनल का, लेकिन उसके बाद T20 में आप देखिए जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दी, वेस्ट इंडीज में जाकर वहां सीरीज हराई थी, आयरलैंड के अगेंस्ट भी सीरीज जीते, हालांकि वो सीरीज थोड़ी सी आसान थी, और बतौर कप्तान T20 वर्ल्ड कप में तमाम विवादों के बीच जिस तरीके से उन्होंने टीम निकाला, तो ऑफ द फील्ड कैसे हैंडल करना मुश्किल परिस्थितियों को, ये BCCI को भी सिखाते हैं, चाहे उसमें विराट कोहली आए, सौरभ गांगुली आए, उन सबको। प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो तस्वीर एक बार हम आपको दिखाते हैं, ये वो फेमस प्रेस कॉन्फ्रेंस है जहां पर क्विंटन डिकॉक ने मना कर दिया था नी लेने से, और फिर बबूमा से सारे के सारे सवाल, मुकाबला वेस्टइंडीज के अगेंस्ट था, जीते भी थे, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बबूमा जाते हैं उनसे एक के बाद एक बहुत बहुत कठिन सवाल पूछे गए, लेकिन बबूमा ने जिस बखूबी से कह लें और जिस कहते कि मैच्योरिटी के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हैंडल करी थी, अगर आप लोगों ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी है तो यूट्यूब पर सिर्फ आप सर्च करिएगा बबूमा डिकॉक और प्रेस कॉन्फ्रेंस, इतना लिख दीजिएगा, और उसको सुनने के बाद आप खुद यहां पर कमेंट कर बताइए कि क्या आपको लगता है कि बबूमा ने कितनी शानदार तरीके से उस दिन वो पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हैंडल करी। उन्होंने अपने साथ ही क्विंटन डिकॉक का पूरा सपोर्ट भी किया, बोर्ड की भी रिस्पेक्ट करी, कहीं मामला बिगड़ने नहीं दिया, क्योंकि ये खुद, जैसे मैंने बताया कि खुद एक ब्लैक अफ्रीकन है, वो चाहते तो कुछ ऐसा बोल जाते अगर तो बहुत मामला जो है बवाल मच सकता था, लेकिन बहुत शानदार तरीके से संभाली। तो एज अ लीडर इनकी ग्रुप में इनकी इज्जत और बढ़ी, दुनिया में इनकी इज्जत और बढ़ी, जिस तरीके से उन्होंने सवालों का जवाब दिया, उन्होंने बोले कि भाई क्विंटन हमारे देश में जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अगर क्विंटन को सही लगता है, वो एक एडल्ट है, उनको पास अपना फैसला लेने का पूरा हक है, और हम क्विंटन के साथ खड़े हैं, वो हम में से एक है और हम उनके साथ हमेशा रहेंगे। ये रही इनकी बात ऑफ द फील्ड लीडरशिप के, किस तरीके से इन्होंने हैंडल किया, किस तरीके से मैनेज किया, विवाद की स्थिति में टीम को कैसे बचाया, और सिर्फ यही विवाद नहीं है, SGN की हियरिंग अलग चल रही है जहां पर आपके कोच फॉर्मर प्लेयर्स ये सब सवालों के कटघरे में है, जब इनको कप्तानी मिली और ज्यादा मुश्किल हालात थे, परफॉर्मेंसेस भी नहीं आ रही थी, T20s की मैंने बताया आपको किस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंसेस इंप्रूव करवाई, ODI क्रिकेट में भी अभी कप्तान है, और आप सभी को पता है जो आप तस्वीर देख रहे हैं पीछे स्क्रीन पर, उनमें से एक में इनका ODI का शतक, जो दूसरा शतक है करियर का, छोटे से करियर का, वो इंडिया के अगेंस्ट पहले वनडे मुकाबले में आया जहां पर अगेन एक प्रेशर सिचुएशन में उन्होंने अपनी टीम को संकट की स्थिति से उबारा, शतक लगाया, फेंडरसन के साथ पार्टनरशिप लगाई, और अब जब हम बात कर रहे हैं 2-0 से सीरीज भी अपने नाम कर ली है, तीसरा मुकाबला बचा हुआ है, वहां पर देखते हैं रिजल्ट किस तरीके से लगते हैं, लेकिन बबूमा यहां पर सबको सिखा रहे हैं, जो यंगस्टर आ रहे हैं टीम में कैसे जगह बनानी है, बबूमा पर भी तो भार था ना कप्तानी का, एक्सपेक्टेशंस का, और फिर ये सवाल हमेशा कि भाई कोटा की वजह से आप खेल रहे हो, लेकिन बबूमा ने सारे सवालों का जवाब दिया। एक वक्त पर लोग उनका मजाक बनाते थे कि भाई क्यों ये टीम में है, क्या ये टीम में परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही है, बट आज सब बात कर रहे हैं कि भाई साउथ अफ्रीका क्रिकेट के रिवाइवल में तेंबा बबूमा ने ऐसी इंपॉर्टेंट जो है कॉन्ट्रीब्यूशन दी है, नॉट जस्ट विद द बैट बट एज अ लीडरशिप ग्रुप, तो शायद वही अभी इंडियन क्रिकेट भी मिस कर रहा है, जहां पर इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई बबूमा से सीखने की जरूरत है आज की तारीख में इंडियन क्रिकेट को, अगर वो एक इंस्पायर कर सकते हैं अपने एक ग्रुप को, अपनी एक टीम को और एक नेशन को खड़ा कर सकते हैं एज अ क्रिकेटिंग टर्म्स वापस, तो क्यों नहीं हमारे पास जबकि सारी की सारी चीजें मौजूद हैं, तो यहां पर भी कोई एक फैसला क्यों नहीं लेता भाई कि मैं हाथ खड़ा करता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि जो तूफान चल रहा है यहां से आसान तरीके से कैसे आपको उबारना है और कैसे निकाल कर ले आना है। तो ये पूरा का पूरा वीडियो था, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, आप सब्सक्राइब भी करें, अपना फीडबैक जरूर दें, और ऐसे अगर आप और वीडियो चाहते हैं तो हम तक जरूर पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।